हालेलुया। और अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर अनेकांत कुमार जी, जो दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं, और लाल बहादुर शास्त्री, आगे मुझे ध्यान नहीं रहता है, विश्वविद्यालय है उसमें, आप केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं, और आपने राष्ट्रपति से जो है सम्मान प्राप्त हैं। आप प्राकृत भाषा में बहुत काम करते हैं। अब एक पत्रिकाएं आपने देखी होंगी, कई पत्रिकाएं निकलती हैं, कोई हिंदी में निकलती है, कोई इंग्लिश में निकलती है, कोई गुजराती में निकलती है, लेकिन आपने प्राकृत भाषा में एक पत्रिका निकाली है, पागत भाषा, तो वो पूज्य श्री के लिए भेंट कर रहे हैं, और फिर इसके उपरांत आकर के अपना आलेख वाचन करेंगे। वो अपना विषय स्वयं यहाँ बताएं और अपना आलेख वाचन करें। समय सीमा आपके लिए भी वही है। हेलो। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यतां धम्मो मंगलमुक्केट्टं अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति जस धम्बे सयामडो। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की। हमारे संयोजक महोदय ने जब मुझे ये विषय दिया तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ये संवेदनशील विषय आपने मुझे क्यों दिया। वो विषय ऐसा है मुनिश्री के इधर कुआ तो उधर खाई, आप पक्ष में बोलो तो समस्या और विपक्ष में बोलो तो समस्या। लेकिन विद्यार्थी काल से ही मेरे ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद रहा है, माता पिता का आशीर्वाद रहा है, और मैंने प्रायः वाद विवाद प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त की है। तो जब इस तरह के विषय उन्होंने दिए तो उन्होंने कहा मैंने जानबूझ के ये विषय आपको दिया है। और मेरा विषय है वर्तमान में बढ़ते मंदिर और मूर्तियों का औचित्य। आप स्वयं सोच रहे होंगे समाज के बीच में खड़े होकर जहां रात दिन इसकी अनुमोदना की जा रही है, प्रेरणा दी जाती है, वहां मैं ये कहूं कि इसका क्या औचित्य है। तो ये कितना संवेदनशील विषय है। लेकिन मुझे इसकी एक प्रेरणा ऐसी मिली कि मेरा एक वेबसाइट पर ब्लॉग है anekantkumarjain.blogspot.in, मैं अपने लेख उस पर लिखना प्रारंभ कर दिया है, और ये लेख भी मैंने उस पर लिखना प्रारंभ किया और आधा लेख हुआ था, मैंने सोचा मैं ड्राफ्ट में सेव कर दूं, जब पूरा हो जाएगा तब पब्लिश करूंगा, और गलती से मुझे पब्लिश बटन दब गया और आधे लेख में ही वो पब्लिश हो गया। फिर दो दिन बाद जब मैंने उसको फिर से खोला तो देखा 5000 लोग उस लेख को पढ़ चुके थे, तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इसका मतलब है इस विषय पर लोग चिंतन कर रहे हैं और सोचना समझना चाहते हैं। मुझे पूज्य मुनि श्री का स्मरण उन दिनों का हो रहा है जब आप बेंगलोर में एकांत स्थल पर बैठकर हरडे कन्नड़ सीख रहे थे और एक विद्वान महानुभाव आके आपको प्रतिदिन पढ़ाते थे। मैंने आपकी श्रुत साधना, विद्या के प्रति अनुराग, भारतीय भाषाओं के प्रति लगाव और जैन पुरातत्व के उत्थान की कामना, इसका दर्शन मैंने वहाँ बेंगलोर में किया था, और मुझे एक दिन आपके सानिध्य में
रहने का अवसर मिला तब मैंने आपको करीब से जाना कि किस तरह मैं बंधुओं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस देश के युवा मुनि साधक जिस दिन पुरातत्व इतिहास के पीछे पड़ जाएंगे उस दिन जैनों का इतिहास निकलकर पूरे विश्व के पटिपल आ जाएगा। अभी हमने काला जी को सुना, कल सेठी जी को सुना। मैं तो हमेशा ये आह्वान करता था कि हमारे युवा विद्यार्थी इतिहास और पुरातत्व की तरफ ध्यान दें। आज शास्त्री आचार्य करने वाले विद्यार्थी बहुत चिंता के बाद फिर भी आने लग गए हैं। हमारे कई संस्थान दर्शन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में उन्हें प्रवीण कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज इस बात की भी आवश्यकता है कि एक कोर्स सिर्फ जैन पुरातत्व और इतिहास को लेकर भी चले और कम से कम 100-200 विद्यार्थी उस विषय को लेकर आगे बढ़ें, तब हमारे सामने कार्य आ सकता है। तो मेरी ये मान्यता थी, मैं युवाओं को भी प्रेरणा देता था, खुद भी इस विषय में लगता था, लेकिन आज जब मैंने कल सेठी जी को, आज काला जी को सुना तो मुझे लगा कि आप जब स्वयं पुरातत्व स्वरूप लगने लग गए हैं तो आप जैसा पुरातत्व का संरक्षण कोई कर ही नहीं सकता। ये काले बाल वाले हो सकता है कोई गलती कर भी जाएं, लेकिन ये सफेद बाल वाले कभी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अनुभव भी है और ज्ञान भी है। आज जितने भी हमारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो दुकानदारी आदि से उकता चुके हैं और जिन्हें मुनि दीक्षा का भाव नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बीच का मार्ग में ये बताना चाहता हूं कि आप अब ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए, मुझे जिनवाणी का संरक्षण करना है, जिन पुरातत्व का संरक्षण करना है, जैन तीर्थों का संरक्षण करना है, अपना तन मन धन उसके लिए समर्पित कर दीजिए। तब देखिएगा आप कि जिन शासन की ध्वजा किस तरह पूरे विश्व पटल पर फहरा सकती, हमारे अंदर उसके समर्पण की आवश्यकता है। हमारे जो निदेशक महोदय आदरणीय वरिष्ठ विद्वान श्रेयांश कुमार जी, पंडित जी, आपने कल बहुत अच्छी बात कही थी। हमारे नरेंद्र जी ने जब विदेशों की संस्कृति के ऊपर चर्चा की तो आपने बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि इस तरह की चर्चा अन्य समाज के बीच में, अन्य विद्वानों के बीच में होनी चाहिए ताकि उनको जैन पुरातत्व का पता चल सके। और मैं आपके साथ दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि आज जैन समाज में भी इस तरह की चर्चा की बहुत आवश्यकता है जो आपने की थी। मैं कहता हूं हर मंदिर में, हर तीर्थ क्षेत्र पर एक पुरातत्व से संबंधित संगोष्ठी होनी चाहिए, इसकी कार्यशालाएं होनी चाहिए ताकि समाज के रोंगटे खड़े हों, उनको अपने वैभव का पता चल सके। हम में से अधिकांश लोग अपने इतिहास और पुरातत्व की जानकारी नहीं रखते हैं, और दूसरे कहेंगे जब तुम्हें ही अपने विषय में नहीं पता है तो हम बता करके क्या करें। तो ये जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। कल मुनिश्री ने एक बात कही थी कि हमारी जनसंख्या, हम जैन जोड़ना शुरू कर दें तो अधिक दिख सकती है। पूज्य श्री, मुझे लगता है कि हम सरकार के डाटा पर ही विश्वास करके चलें और अपनी जनसंख्या मौलिक रूप से बढ़ाने की कोशिश करें तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हम जैन लिखना प्रारंभ करें उससे तो जो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन इसके साथ एक विधान, हमारे यहाँ इतनी संस्थाएं हैं लेकिन आज तक किसी ने डेटा कलेक्शन वाले काम नहीं किए। एक डेटा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो जैन समाज, जैन संस्कृति के हर पक्ष के डेटा कलेक्ट करे और उसका आउटपुट समाज को दे और वो उस तरीके से समाज नीतियां बनाए। मैं बीच के व्यक्ति के रूप में काम करना चाहता हूँ, समाज बहुत काम करना चाहता और उसके लिए पैसे भी देना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि उनके सामने एक स्पष्ट परियोजनाएं नहीं हैं, उनके सामने एक विजन नहीं है कि हमको करना क्या है। आइए, लोग कहते हैं करोड़ों इकट्ठे हो रहे हैं, क्या हो रहा है वो सब तो मैं नहीं जानता। एक समय होता था जब 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठा करना कठिन हो जाता था छोटे छोटे काम के लिए, लेकिन आज ये स्वर्णिम काल पका है कि आपके एक आह्वान पर लोग अपना तन मन धन लुटाने को तैयार हो जाते हैं। ये कोई पुण्य का काल है। मैं कहता हूँ हम क्यों नकारात्मक बातें देखें,
बस उसके सही नियोजन की आवश्यकता है और सही दिशा में नियोजन की आवश्यकता है। और ऐसा कार्य पूज्य श्री आप जैसे युवा साधक और युवा मुनिराज ही कर सकते हैं, जिनके पास विजन भी है और मिशन भी है। ये दो चीजें बहुत आवश्यक है। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, मैं ये सोच रहा था कि पुरातत्व की संगोष्ठी है और पिछले दो वर्षों में मैंने जबरदस्ती कह लीजिए या अपनी अंतरंग प्रेरणा से या लोगों के कहने से, मैं कुतुब मीनार के पास दिल्ली में रहता हूँ और लॉकडाउन के दौरान मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे तरुण विजय जी, जिनसे आप परिचित हैं, राज्यसभा के सांसद, उनका फोन आया कि हम सम्राट अनंगपाल पर एक वन डे कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं जिसमें अनेक सांसद, अनेक मंत्री और बड़े बड़े सचिव के सचिवालय स्तर के लोग उसमें रहेंगे और हम चाहते हैं कुतुब मीनार पर सम्राट अनंगपाल पर एक वार्ता प्रस्तुत हो, तो आप उसमें आकर के आप जैन धर्म की तरफ से बोलें। तो पहले मुझे भय हुआ कि मैंने कहा ये मेरा विषय नहीं है, मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ और पुरातत्व पर मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो मैंने एक बार उनको मना कर दिया कि मेरा विषय नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊँगा। और एक हफ्ते के अंदर उनका इनविटेशन लेटर आ गया, तो मैंने कहा जब मैंने आपको मना किया था उसके बावजूद भी आपने मुझे इनविटेशन लेटर क्यों भेजा, तो उन्होंने जो बात कही वो मेरी दुखती रख पर रख दी। बोले बेटा अगर तुम नहीं आओगे तो जैनिज्म छूट जाएगा। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कमर कस ली, मैंने अपने पिताजी से चर्चा की और मेरे पिताजी हमेशा जन्म से मुझे इस बात की प्रेरणा देते रहे कि तुम इतिहास पढ़ो, कला पढ़ो, पुरातत्व पढ़ो, इन सब को भी पढ़ा करे, वो अकेले दर्शन में मत उलझे राख। जब उनकी वो प्रेरणा और मैंने उस पर काम करना प्रारंभ किया और ASI डिपार्टमेंट ने अपना एक ऑफिसर मेरे साथ भेजा, मैंने कहा कुतुब मीनार में हर जगह लोग जाने नहीं देते हैं, ताले लगे रहते हैं, तो उन्होंने एक ऑफिसर मेरे साथ भेजा और कहा कि आप जहां जाना चाहे आपको साथ में लेके जाएगा, ताले खुलेंगे, आप फोटो ले सकते हैं सब। तो वो लॉकडाउन का समय चल रहा था, विश्वविद्यालय बंद थे और मैंने उस समय का उपयोग किया और मैंने जगह जगह जा करके फोटोग्राफ्स लिए, वहां का अन्वेषण किया, उससे संबंधित तमाम साहित्य का अध्ययन किया। और इस दृष्टि से मैं बताना चाहता हूं ये गोष्ठियां किस तरह हमारे उपयोगी सिद्ध होती हैं कि बहुत पहले एक बार कुतुब मीनार विषय पर उपाध्याय आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने एक गोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें 4-5 पुरातत्वविद आए थे और एक पतली सी एक किताब वहां प्रकाशित करवा दी गई थी। वो किताब मेरे लिए वरदान सिद्ध हुई। आप देखिए संगोष्ठी होती है उसका प्रतिफल कितने वर्षों बाद जाकर के निकलता है। मैंने उसके आधार पर एक 20 पेज का शोध पत्र सचित्र तैयार किया और मेरी आंखें धीरे धीरे खुलती चली गईं। मैंने देखा, मुझे प्रोफेसर राजा राम जी की भूमिका पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। एक हर गोविंद दास तिवारी है जिन्होंने दिल्ली का इतिहास लिखा है और वो पुरानी किताब है, उन्होंने अपने उसकी पुस्तक में, उन्होंने अपनी इस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया कि यदि डॉक्टर राजा राम जैसे व्यक्ति नहीं होते जिन्होंने श्रीधर से रचित पाषाण चरियु की अपभ्रंश की कृति का संपादन किया और उसकी प्रशस्ति को सामने लाए, अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो हम दिल्ली के वास्तविक इतिहास को जान ही नहीं पाते। ऐसा हमारे जैनाचार्यों के प्रति, जैन कवियों के प्रति उन्होंने बहुमान प्रकट किया। ये मेरा कुतुब मीनार का विषय नहीं है लेकिन मेरा विषय वही है। यहाँ मुझे जो बात कहनी है आपसे, उस समय जब मैंने वो लेख वहाँ पर प्रस्तुत किया तो अनेक मंत्री, अनेक राज्यसभा सांसद वहाँ पर थे, उनकी आंखें खुली रह गईं और उसका प्रतिफल ये हुआ कि संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी जी का बाद में मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपके साथ कुतुब मीनार घूमना चाहती और मैं वो चीज़ें देखना चाहती हूँ जो आपने उस लेख में बताया। मैं पूरा लेख लेके गया और उन्होंने एक हेरिटेज वॉक का वहाँ पर आयोजन किया और 15-20 लोग साथ में आए और मैंने सबको एक एक करके वहाँ की जैन संस्कृति का दर्शन कराया। कुतुब मीनार 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया गया था। 27 जैन मंदिर और हजारों मूर्तियाँ वहाँ पर बिखरी पड़ी थी। कुतुब मीनार में जब 1984 में एक्सीडेंट हुआ था तो अंदर टाइल टूट गए थे और बहुत सारी मूर्तियां, जैन मूर्तियां टाइल में से निकल निकल करके सामने आ रही थी, लेकिन हमें उसके इतिहास का
अता पता ही नहीं था। कभी अवसर मिलेगा तो मुझे उसके बारे में एक दो घंटे बोलने का अवसर चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो मुझे विषय दिया गया है, मैं बहुत साहसपूर्वक और अभयदान मांगते हुए उस विषय को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूज्य मुनि श्री, आपने जो माहौल बनाया है, इस माहौल में विद्वानों को कुछ कहने की हिम्मत हो रही है, अन्यथा कई जगह हमें चुप रहना पड़ता है। आपने कल विद्वानों का भी मार्गदर्शन किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप सत्य के खिलाफ मत बोलना, सत्य के अनुसार बोलना। और ये विद्वान वो रोशनी है, ये विद्वत परिषद वो रोशनी है, यहाँ जितने विद्वान इकट्ठे हैं, कि किसी शायर ने एक शेर कहा है कि रोशनी भी घर अंधेरों से डरने लगेगी तो बताओ ये दुनिया फिर कैसे चलेगी। इसलिए रोशनी को अंधेरों से कभी नहीं डरना है। ये जो साहस पूज्य आचार्य श्री ने भी मुझे एक दिन प्रदान किया था, मेरा कोई लेख पढ़ के उन्होंने मेरा, मैं नमोस्तु करके जा रहा था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा जिस तरीके का लिख रहे हो लिखते रहना, किसी से डरना मत। ऐसे जब पूज्य पर आशीर्वाद देते हैं तो एक साहस उत्पन्न होता है और मन करता है कि विनम्रता से कम कुछ बातें तो हम अपने घर में चर्चा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। इसलिए ये बातें कहना है। जैसे मैंने कहा, वर्तमान में एक बहुत सुखद सूचना है कि पंच अधिक पहले की अपेक्षा कहीं अधिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहे हैं, मूर्तियां बहुत स्थापित हो रही हैं। पहले छोटी छोटी बात के लिए दान इकट्ठा करना कठिन होता था, अब छोटी छोटी बात पर दान इकट्ठा हो जाता है। इसलिए एक अच्छा काल है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितने ही स्थानों पर मैंने ये देखा कि पंच कल्याणक करने का उद्देश्य क्या होता है, मंच पे क्या कहा जाता है इस पे मत जाइए, हिडन एम क्या होता है। मैंने कई जगह पूछा, एक हमारे आयोजक दिल्ली में है, उन्होंने बड़ा कार्यक्रम करवाया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने बड़ा सुंदर कार्यक्रम कराया, इसका आउटपुट क्या रहा। बोले आउटपुट की बात करते हो, 35 लाख खर्चा हुआ, 65 लाख आए, लाखों रुपए की आमदनी हो गई और खूब हो हल्ला हुआ, लोगों ने आनंद दिया, यही उद्देश्य था, वो मेरा पूरा हो। मैंने कहा यही मात्र उद्देश्य, जिस दिन मात्र धन संग्रह यदि पंच कल्याणक का उद्देश्य है तो ऐसे पंच कल्याणक होने बंद हो जाने चाहिए। क्यों? धन संग्रह करना आपको वीतरागता का उद्देश्य हो, लोगों के अंदर संयम की उत्पत्ति हो यह उद्देश्य हो, लोगों के भीतर धर्म प्रभावना हो यह उद्देश्य मुख्य होगा तो पंच कल्याणक कराना संभव हो। अगर एक ही मात्र उद्देश्य है कि पैसा इकट्ठा करना और हिडन उद्देश्य है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के कार्य मत करो। अर्थो अनर्थ मूलम, अर्थ अनर्थ का मूल है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा पैसे देना बंद कर दीजिए, क्योंकि विकृतियां पैसे से ही उत्पन्न हुई हैं, कमेटी में लड़ाइयां पैसों के कारण हो रही हैं, साधु वर्ग के विभाजन के कारण भी वही बन रहे हैं। आप ज्यादा पैसे देते हैं, इस कारण से लोगों के दिमाग खराब होते, क्योंकि ज्यादा पैसा न्यायोपार्जित तरीके से नहीं आता है। जैसे साधन होंगे वैसे ही साध्य होंगे, थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन आपको ये सहन करना पड़ेगा, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए हमें साधनों की विशुद्धि पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो थोड़ी सी परंपरा ऐसी हुई कि नई नई कॉलोनियां बन गई, नए नए मंदिर बन गए, वो आवश्यकता थी, लोगों के लिए जरूरत थी। और जहां आवश्यकता है, जरूरत है, उसके लिए तो प्रेरणा है ही, अच्छे से अच्छे वैभव के साथ वो कार्य करना चाहिए। लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है, वहां अन्य उद्देश्यों से सिर्फ मूर्ति स्थापित करना, ये जिन धर्म का अवर्णवाद है, ये जिन धर्म की महिमा को गिराना है, बढ़ाना नहीं है। इसलिए हमेशा आवश्यकता के अनुरूप, जहां हमको उसकी जरूरत है, वो ध्यान देना चाहिए। इसलिए वो तर्क संगत होगा, अन्य प्रयोजनों से मूर्तियां और प्रतिष्ठाएं कराएंगे तो वो तर्क संगत भी नहीं बैठे। विचार करिए कि हमारे उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या हैं। मैं एक एक बिंदु लिख के लाया हूं, बात करता हूं। पहला, मैंने धन संग्रह की चर्चा कर दी। यदि एकमात्र उद्देश्य यही है, हिडन उद्देश्य,
मंच पे क्या कहा जा रहा है इस पर मत जाइए, जो अंदर के उद्देश्य हैं, अगर अंदर में अभिप्राय खराब है तो बाहर कुछ भी कहते रहिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर के जो उद्देश्य हैं। दूसरा, मान प्रतिष्ठा, क्या सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि अपनी मूछों के लिए काम करवा रहे हैं, उसने ऐसा करा इसलिए मैं कराऊंगा? अगर मात्र एक ये उद्देश्य है तो भी गलत। तीसरा, प्रतिस्पर्धा, क्या कॉम्पिटिशन में काम करवाया जा रहा है? आप समझ लीजिए मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं प्रतिक्रमण करवा रहा हूं, आप अपनी आलोचना कर रहे हैं, हम आपकी कह रहे हैं, माने हम अपनी भी कर रहे हैं। क्या प्रतिस्पर्धा के कारण मैं ये काम कर रहा हूं, प्रतियोगिता के कारण? तो भी गलत उद्देश्य। अगर एक जगह यहीं बगल में मंदिर है दो कदम की दूरी पर, और मैं प्रतिस्पर्धा में कि इस कमेटी से मेरी बनती नहीं हो, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं एक अलग जमीन लेकर दूसरा मंदिर बनाऊंगा, और इस प्रतिस्पर्धा में मैं कोई काम करता हूं, तो भी गलत। चौथा, कब्जा करने के लिए कि यहां मंदिर बनवा दो तो ये इलाके हमारे कब्जे में आ जाएंगे, इस उद्देश्य से भी काम होते हैं, ये भी गलत उद्देश्य कि हम आधिपत्य जमाने के लिए यदि जिनेंद्र भगवान का दुरुपयोग कर रहे हैं तो भी गलत। पांचवा बिंदु है, ये बहुत बड़ा बिंदु है, एक बार मैंने एक कविता लिखी थी, फिर कई लोग मेरे पीछे पड़ गए तो मैंने उस कविता को सहर्ष वापस ले लिया। मैंने एक बार एक कविता लिखी थी, प्रॉपर्टी गुरु भगवान महावीर, व्यंग था, अन्यथा मत लेना आप। वो क्या था, कुछ लोग जो बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, अचानक उनमें धर्म की रुचि जाग गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, यार ये कैसे कब से सोचने लग गए, ये सप्त व्यसनधारी अचानक सोचने लग गए मुझे जिन मंदिर बनवाना है। तो जब मैंने पड़ताल की, और कहाँ, जहाँ समाज नहीं है, किसी के मकान नहीं है, खाली जमीन पड़ी है लंबी चौड़ी, बोले जिनाले बनवाना है, बड़े भावुक होके किसी पंडित जी को भी ले आए, किन्हीं मुनिराज जी को भी ले आए, और सब सेटिंग। बाद में पता चला उसे आसपास की जमीनों के दाम बढ़वाने थे, और इसलिए जिन मंदिर का निर्माण वहां करना था, जब कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, न तीर्थ है, न पुरातत्व है, कुछ नहीं, इतना धर्मात्मा कैसे हो गया ये अचानक? लेकिन फिर पता चला कि वो धर्म नहीं था, वो तो व्यापार था, और उसको जहाँ 600 रुपए गज की जमीन थी वो 60,000 रुपए गज हो गई, उसने 100 गज का मंदिर बना दिया, उस नाम पे आसपास के प्लॉट बिक गए, जनता हो गई, जय जयकार हो गई। और गुड़गांव में तो एक जगह ऐसी है जहाँ मंदिर बनाए मूर्ति नहीं रखी अंदर, बहुत बड़ी सिटी है। तो मैंने पूछा, ये मंदिर किसका है, कौन से देवी देवता का है? बोले वो बाद में विचार करेंगे, हमने तो बना दिया। वो प्रॉपर्टी डीलर जैन है और वो कह रहा है हमने तो बना दिया, बहुत बड़ा टाउनशिप बनाई। अरे मैंने कहा कुछ इस, बोले मंदिर बन गया, सोसाइटी डेवलप होगी, अब जिस धर्म के ज्यादा लोग होंगे उनकी मूर्ति रख देंगे। तो आप देखो, यूज किया जा रहा है धर्म को व्यवसाय के रूप में, ये भी गलत है। क्षमा करते जाना आप धीरे धीरे। फिर काले धन का निवेश, अगर आप अपने धन को इन्वेस्ट करने के कि घर में रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है, इससे अच्छा मंदिर में ही रख दो, इससे अच्छा उनके पास रख दो, त्यागी जी हैं उनको कोई नहीं देखेगा, आप धर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा पैसा किसी को नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, आप वो पाप मंदिर के अंदर प्रवेश करवा रहे हो, आप वो पाप त्यागियों को दे रहे हो, उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। और ऐसे साधन अगर होंगे तो धर्म तो दूषित होगा ही, अब चाहे लाख कोई कार्यक्रम कराते रहो, विधान कराते रहो, पूजा कराते रहो, पाठ करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने। क्यों? क्योंकि आपने उस डाकू की कथा का संवर्धन कर दिया, जो पहले कहा जाता था कि ये डाकू है, और इसको जो है वो मंदिर में आता था, एक देवी के मंदिर में पुलिस घेर लेती थी कि अमावस्या की रात को घंटी बजाने जरूर आता है, ऐसे धर्मात्मा मत बनना। वो भी बहुत धर्मनिष्ठ है और कहता है मैं काली के देवी में वहाँ घंटी चढ़ाऊंगा, रुपया पैसा चढ़ाऊंगा और इस रात को जरूर आऊंगा, ऐसा नियम है उसका। आपको क्या लगता है वो धर्मात्मा है? बहुत कट्टर नियम पाल रहा है, ऐसे धर्मात्मा नहीं बनना है। अगर वो इस तरीके कार्य करता है तो भी समस्या है प्रदर्शन के लिए। लेकिन जब बहुत ऐसा होने लगता है तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उस पर भी कुछ प्रकाश डालूंगा। हमारे संयोजक महोदय खड़े हो गए हैं और समय भी बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी
पूज्य श्री की आज्ञा लेकर के मैं कुछ बिंदु तो रखूंगा, है ना, वो भी विचार है। पूज्य श्री की आज्ञा से ही कर रहा हूं, आप इस पे वो मत रखना। एक तो अधिक मंदिर मूर्ति होने से क्या होता है, एक तो अव्यवस्था फैलती है, आप इस बात में राजी होंगे, उसको मैनेज करना बहुत कठिन होता है। दूसरा, बहुमान में कमी आती है, अवमानना होती है। आप भी देखो, एक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है तो बहुत अच्छे से हम भावभक्ति, अब 25-30 हो जाए तो सब जल्दी जल्दी ऐसे बरक चढ़ा के चले जाते, और एक एक क्या जो अवमूल्यन होता है उसका दोषी कौन होगा। तो अनुपात तो बराबर रखना चाहिए ना हमको हर चीज का, एक कितने लोग हैं, कितना सा मंदिर है, कितनी मूर्ति, एक थोड़ा सा मैनेजमेंट हमको वहां ये देखना, हमको भावों की विशालता ज्यादा रखनी। हमने भाव तो कम कर दिए, मूर्तियां बढ़ा दी, भक्त कम हो गए, भगवान बढ़ते चले गए, ये अनुपात अगर गड़बड़ाएगा तो भविष्य में समस्याएं खड़ी होंगी। फिर वास्तु आदि अन्य नियमों की भी अवहेलना हो जाती है, जब बहुत ज्यादा काम करेंगे तो कहीं भी बिठाने लग जाएंगे, तो वास्तु आदि जो नियम होते हैं मंदिर निर्माण के, उसकी भी अवहेलना। एक बिंदु है कि साधु वर्ग में मतभेद और विभाजन का कारण भी ये बनता है, ये मेरा ये तुम्हारा ऐसा हो जाता है। देखिए, मुनिराज स्वयं में मंदिर हैं, वो तो अचेतन देवता हैं, ये तो चेतन देवता हैं, चेतन देव हैं। और मैं मुनिराजों से भी एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, बहुत हाथ जोड़कर विश्व के समस्त मुनिराजों से, समस्त साधु वृंदों से, कि आप और सब काम छोड़ दीजिए, सिर्फ भाषा समिति पर संतुलन रख लीजिए, कुछ नहीं करना। आप एक काम करो, कुछ मत, सब होने दो, आप अपना देखो, दूसरे का नहीं देखो। कोई कुछ बोल रहा है उसका जवाब मत दो, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। अपनी गरिमा अपने हाथ में है, और ये जो उपगुहन अंग की धज्जियां उड़ाने में कैमरा लगा हुआ है, उसका भी विचार करके शांति से रहो। अगर आप जवाब तलब करोगे, ज्यादा बाचाल बनोगे, ज्यादा उन्मुक्त होकर बोलोगे मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न चलनीयम न करणीयम, हाँ कुछ भी ऐसा नहीं, सत्य भी हो तो उसको सच बोलने का आपके पास साहस भी होना चाहिए, लेकिन सलीका भी होना चाहिए। और यदि आपके पास सलीका नहीं है तो सच बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि बिना सलीके के जो सच बोला जाता है वो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए सलीका पहले होना, कोई क्या कर रहा है इससे हमको मतलब नहीं है, हम अपनी साधना में लगे रहें। और इस भाषा समिति पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सिर्फ जैन ही नहीं सुनते हैं, अजैन भी सुनते हैं, वीडियो सिर्फ हम नहीं बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। और हम जब कभी अपने मुनिराज की प्रशंसा में कोई बात कहते हैं तो वो हमको प्रमाण दिखलाते हैं, हमारा मस्तिष्क गिराते हैं, हमको शर्म से झुकवाते हैं। इसलिए इस पर संयम रखें। भक्तों की संख्या में भी कमी आ जाती है जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, भावों की विशुद्धि में कमी आ जाती है, बहुत तरह की बातें हैं। देखिए, हर चीज़ की मेरिट और डिमेरिट दोनों होती, हमको अनेकांतवाद के दृष्टि से विचार करना चाहिए। और सौभाग्य से मेरे पिताजी ने मेरा नाम भी यही रखा है, तो मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, मैं दोनों तरफ से सोचता हूँ, प्लस माइनस दोनों होना चाहिए। और एक चीज और है, हमें अन्य जगह पर लोग एक बात कहते हैं, जब मैं अनेकांतवाद पर बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान देता हूँ विश्वविद्यालयों में, तो वो कहते हैं आप पूरी दुनिया को अनेकांतवाद सिखाना चाहते हो, आप ये बताओ। मैं कहता हूँ अनेकांतवाद से दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, जोर जोर से बोल। तो कहते हैं आपने अपनी समाज की समस्याओं का समाधान कर लिया अनेकांत से? प्रश्न पूछते हैं, अगर आप अनेकांतवाद का पालन, क्या आपका जैन समाज करता है? क्या वो एक दूसरे की दृष्टि का सम्मान करता है? क्या एक दूसरे के धर्मों को स्वीकार करता है? अपने विरोधी को स्वीकार करता है क्या? वो अपने विरोधी धर्म के प्रति सह अस्तित्व की भावना रखते हैं क्या? वो अगर ऐसा नहीं रख सकते हैं तो आप हमको अनेकांतवाद क्यों सिखाने आ गए, ऐसा बोलते हैं। तो मैं उनको समझाने के लिए एक बात कहता हूँ, पूज्य मुनिश्री की आज्ञा से मैं उनसे कहता हूँ कि जैन समाज सबसे बड़ा एक अनेकांतवादी है। कैसे? कि यहाँ जितने पक्ष या जितने पंथ हैं वे स्वयं को अनेकांतवादी समझते हैं, इसलिए सब अनेकांतवादी हैं, और वो दूसरे को एकांतवादी समझते हैं, इसलिए सारे ही एकांतवादी हैं। इसलिए स्यात अस्ति, स्यात अनेकांत की अस्ति है,
स्यात एकांत की अस्थि है और स्यात अस्थि नास्ति होने से स्यात अनेकांत और स्यात अनेकांत ये दोनों का ही एक ही समाज में समवाय है, इसलिए अनेकांतवाद जैन समाज में भी विद्यमान है। ऐसा होता है, जैसे कल सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही थी और मैं एक नई परिभाषा बनाई है पूज्य मुनिश्री, जब सब लोग बना रहे हैं तो मैंने कहा मैं ही बनाऊं। जो मुझे मानता है वो सम्यक दृष्टि और जो मुझे नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि, एक ही परिभाषा है, बाकी सारे शास्त्रों की परिभाषा पीछे हट गई। जो मुझे मानता है, मुझे फॉलो करता है, मुझे प्रणाम करता है वो सम्यक दृष्टि है, बाकी इसके अलावा दुनिया के सारे लोग मिथ्या दृष्टि। अगर ये दृष्टि रखेंगे हम तो हम अनेकांतवाद के साथ अपने समाज को कैसे आगे ले जा पाए। कुछ समाधान भी मैंने यहाँ बताए हैं, एक एक लाइन में बता दूं। हो गया क्या? वो जो इसको जंतु वाली बात आप कह रहे थे ना, मुझे दूसरा वाला थोड़ा रोग हो गया है, तो बस इतनी सी बात थोड़ी सी एक एक लाइन में कहता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक तो सुझाव है इसको कैसे कंट्रोल करें इन चीजों, वो कंट्रोल ये है कि एक तो नियम विरुद्ध जिन मंदिरों के निर्माण से परहेज करें तो वैसे ही कम हो जाएंगे, क्योंकि नियमों को तोड़ के होता है तब ज्यादा होता। दूसरा, जो नियम से देव दर्शन पूजन अभिषेक आदि का नियम ले उसी को प्रतिष्ठा महोत्सव में पात्र के रूप में चयनित किया जाए, ऐसा अनिवार्य नियम है, पालन होना चाहिए। तीसरा, जहां बहुत अधिक आवश्यकता है वहां ही नए मंदिर बने, इसकी अपेक्षा आप पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करें वो ज्यादा, और एक ही स्थान पर मूर्तियों की प्रतिष्ठा इतनी संख्या में ज्यादा ना हो कि उनका महत्व कम हो जाए। दूसरा एक बिंदु और है, मेरा तो बस नहीं चलता है, बस चलता है प्रतिष्ठाचार्यों, मैं तो सिर्फ भाषण दे के चला जाता हूं। अगर मेरा बस चले तो मैं एक नियम बनाऊं कि जो 100 शिक्षण शिविर लगा के 1000 भक्त तैयार करेगा उसी को प्रतिष्ठा कराने का अधिकार है, क्योंकि भगवान बढ़ते जा रहे हैं और भक्त घटते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 100 शिक्षण शिविर लगाओ और इतने 1000 भक्त तैयार करो, इसके बाद एक जिन मंदिर का निर्माण कराओ, ऐसा नियम जिस दिन हो जाएगा उस दिन भक्त भी बढ़ेंगे और हमारा पुरातत्व और मंदिर भी सुरक्षित रहेगा। इस तरह, चूंकि समय हो गया है, बातें बहुत सारी हैं, अंतिम एक लाइन कह करके मैं विराम लूंगा। कभी कभी मुझे लगता है हम जो ये तीर्थ बना रहे हैं करोड़ों के, ये उनके लिए तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अभी हम में इतने झगड़े हैं और हम बना देंगे और उनको क्या करना है, सिर्फ देव बदलने हैं, बाकी सब कला संस्कृति पुरातत्व नहीं जैसा है, उनको क्या है, उनके तो एक धमक के आएंगे और देव बदल के कल को कह देंगे हम हैं यहाँ के मालिक। तो इस पर भी विचार करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, मैंने आचार्य समंत भद्र का एक सूत्र पढ़ा था, आपने सुना है, उस पर हम डिगे रहें उसको ही पालन करें तो हम कभी भी पीछे नहीं रहें। उन्होंने कहा न धर्मो धार्मिक ही बिना, धार्मिक के बिना धर्म नहीं होता है। मैं एक दिन सोच रहा था आचार्य समंत भद्र ने ऐसा क्यों लिखा, वो कहीं ये लिखते कि न धर्मो मंदिर ही बिना, ऐसा लिख देते तो चलता काम, क्योंकि मंदिर से ही सारे धर्म चल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा धार्मिक होंगे तो मंदिर सफल होंगे, इसलिए धार्मिकों के बिना धर्म नहीं होता है। हम अपने उद्देश्यों को न खोएं, प्रयोजन को न खोएं, हमारा एकमात्र प्रयोजन है वो है वीतरागता की वृद्धि और मोक्ष मार्ग और कषायों की मंदता। अगर इन तीन में से एक भी पूरा नहीं हो रहा है तो हमारी सारी धार्मिक क्रियाएं करना व्यर्थ है, इसलिए इस तरफ ध्यान दें, अध्यात्म की तरफ हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। और इसी, आप सभी ने बहुत ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आपको सभी को जय जिनेंद्र करता हुआ धन्यवाद। पंडित जी एक मिनट।